नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन टीवी में। निर्माणधीन लालगंज सरेनी मार्ग पर आज सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता को लेकर भाजपा किसान वृद्ध नेता रमेश सिंह सड़क पर अकेले ही धरने पर बैठ गए और गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण करने वाली संस्था व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। भाजपा किसान नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों व ठेकेदारों के गठजोड़ से केंद्र की मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। भाजपा किसान नेता रमेश सिंह ने बताया कि हमारे रहते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे। भाई साहब, आपका परिचय क्या है? रमेश सिंह नाम हमारा, किसान नेता के नाम से जाना जाता हूँ और यही लालगंज का निवासी। तो आज जो वहाँ पर आप धरने में बैठे थे वो किस लिए बैठे थे? 29 करोड़ की लागत से सरेनी से लालगंज बन रहे मार्ग में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है और उस भ्रष्टाचार की आज भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, योगी सरकार पर जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सरेनी एक कार्यक्रम में जा रहा था और मैंने जब देखा कि वहाँ बिना डामर डाले ही गिट्टी पड़ रही है तो मैंने उसको उनसे पूछने का प्रयास किया तो उन लोगों ने मुझे बिल्कुल निगेटिव समझ करके ललकार के वो किया, बिल्कुल हटा दिया कि आप कुछ नहीं है। तब मुझे मजबूरन वहाँ बैठना पड़ा और बैठने के बाद सारे अधिकारी वहाँ आए, 3 घंटे लगभग धरना चला। उसके बाद उन्होंने मेरी सारी मांगे मानी कि मानक के अनुरूप सड़क बनेगी और किसी भी कीमत पर योगी सरकार की बदनामी नहीं होने दी जाएगी। ठीक ठीक, धन्यवाद। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।